हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में यदि कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं है तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी लाइट फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके फ़ोन पर यदि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज आएगा तो आपके फ़ोन के चारों तरफ आपको एक ऐसा लाइट फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ज़्यादा गजब लगता है। यदि आपके फ्रेंड्स लोग भी ऐसे लाइट फैक्ट को देखेंगे तो एक बार तो वो भी सोचेंगे कि ये आपने कैसे किया। तो ऐसा इफेक्ट यदि आपको अपने फ़ोन में लगाना है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए केपीआर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और ऐसी वीडियोस डेली देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है इट्स मास्क। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हो। यदि आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं करनी है तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ऐसा ऐड आएगा, फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें परमिशन वगैरह मांगेगा, यहाँ पर सब उन परमिशनों को अपन यहाँ पर अलाउ कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक परमिशन अपन ने यहाँ पर अलाउ कर ली, फिर दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ है वो एप्लीकेशन इट्स मास्क, उसको यहाँ पर परमिशन दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं कई सारे, तो आपको जो राउंड कॉर्नर का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको छोड़ के, उसके नीचे भी और भी ऑप्शन दिख रहे हैं उनको छोड़ के, सॉरी जो मैसेज वाला है उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैसेज वाले को यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो अलाउ है ये मैसेज का ऑप्शन, इसको यहाँ पे आप रिप्लाई जो रिप्पल स्टाइल है, बैक आइकन है, जो भी स्टाइल है, इनको यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा इरीटेट करते हैं जब कोई मैसेज आता है। तो आप देख सकते हो तो ऐसे ऐसे बबल टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो उनको। फिर नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें इट्स लाइटिंग का है, उसको आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, मतलब रेडी कर दीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे कॉर्नर पर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके बगल में आपको थ्री डॉट का एक मार्क मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे रेनबो कलर का ऑप्शन मिल जाता है तीसरे नंबर पर, तो उसको यहाँ पे अपन और भी मतलब अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद में आप देख सकते हो ऐसे इफेक्ट आपको रेनबो कलर के मिल जाते हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा सकते हो। तो अपन ने यहाँ पे उसको बढ़ा दिया है। ट्रांसपेरेंसी पे बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो नीचे ड्यूरेशन का टाइम, मतलब कितनी देर तक आपको ये रखना है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फिर साइज़ का भी है, तो साइज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़ा चढ़ा सकते हो। फिर साइज़ के नीचे आपको मिल जाता है एक स्पीड का, तो उसको भी आप यहाँ से बढ़ा चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपको नीचे मिल जाता है नॉच का, यदि आपकी फ़ोन की डिस्प्ले नॉच है तो उसको आप यहाँ पे अलाउ कर लीजिएगा, यदि नहीं है तो इसको आप यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी डिस्प्ले राउंड कॉर्नर नहीं है, पर इसके जो नोटिफिकेशन है वो राउंड कॉर्नर आ रहा है, तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पे राउंड कॉर्नर का आपको ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप इसको ऑफ कर लोगे तो आपकी डिस्प्ले यहाँ पे जैसी है वैसी फिक्स हो जाएगा। जैसे अपनी मेरी डिस्प्ले राउंड कॉर्नर नहीं है तो मेरे को नहीं मतलब ये रखना, और यदि आपकी है तो उसको यहाँ पे आप अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब अच्छा लगता है देखने में, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर लिया। ठीक है, फिर इसको ऑफ करने के बाद आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे जो नीचे हैं वो बेसिक वैसे रहने देने हैं। ठीक है, फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम एनिमेशन ड्यूरेशन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जैसे सेटिंग में अपने पे जाना है। ठीक है, सीधे ही आप इसको क्लिक करो, यदि आपका है डेवलपर ऑप्शन मोड चालू तो ये सीधे ही आपको सेटिंग में लेकर चला जाएगा। यदि नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डेवलपर मोड ऑन करते हैं। मेरा एमआई का वर्जन है, मतलब एमआई फ़ोन है, तो इसमें यहाँ पे एमआई यूआई वर्जन पर आप जितनी बार क्लिक करोगे तो ऐसे ही डेवलपर मोड 4-5 बार में क्लिक करने पर स्टार्ट हो जाता है। फिर नीचे आपको जाना है डेवलपर मोड में, तो उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइंग का, ड्राइंग में आप देख सकते हो यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल्स। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऑफ को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑफ कर लेते हैं, कई बार आप इसको अलाउ कर लीजिएगा। करने के बाद आप जैसे ही इसको बैक आओगे, बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन का आपको ऑप्शन मिलता ही है, तो इसको यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको मतलब आप यदि आपके में यदि वर्क नहीं कर रहा है तब ये मतलब आपको सेटिंग में जाके ये ऑप्शन चालू करने हैं, जो इफेक्ट मैंने बताए थे अभी आपको जो सेटिंग में थे उसको आप यहाँ पे जब ही स्टार्ट करना है जब आपका वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे आप अब इसको यहाँ पे आप जैसे वर्क और नहीं कर रहा है तो इसको आप यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा। यदि आपका फ़ोन एमआई है तो आप इसको समझ ही रहोगे ऐसे लॉक कर लेना होता है। लॉक करने के बाद आपको इसको ऑप्शन में और सेट कोई जहाँ पे सारी एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन मैनेज में उसमें जाना है। एप्लीकेशन जाने के बाद आपको इट्स मास्क नाम से वो एप्लीकेशन ढूंढनी है, तो जैसे मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, तो ये रही, मैंने इसको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद आप देख सकते हो इसको ऑटो स्टार्ट ऑफ है, तो इसका ऑटो स्टार्ट भी यहाँ पे अपन अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद में अब ये प्रॉपर वर्क करेगी। जब मैंने इसको अब देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ अपने सेटिंग पूरा कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज आपको छोड़ के दिखा देता हूँ इसमें कि प्रॉपर से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज आ रहा है जल्दी से, और आप देख सकते हो सारा कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया है जिससे मतलब प्रॉपर से अच्छे से काम करेगी। मैसेज आ चुका है और सारे कॉर्नर पे आप देख सकते हो वो लाइट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो सारा कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो।
यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर करना फेसबुक और व्हाट्सएप पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और जाते जाते लास्ट में आपको 3 वीडियोज़ और मिलेंगी, उनको भी तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे, मतलब उनको देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।